हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी विंग्स आलू की सब्जी बिना लहसुन प्याज की सब्जी। जो लहसुन प्याज नहीं खाते उनके लिए ये सब्जी है। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, कुछ मसाले हैं, धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला, नमक। यहाँ मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, बस मैं 1 चम्मच जीरा ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पर जीरा ऐड कर दिया। अब मैं इसमें टमाटर, हरी मिर्च डाल दूँगी, प्याज वगैरह तो नहीं डालूँगी क्योंकि ये मैंने प्याज की सब्ज़ी है। जो लोग प्याज जैसे नहीं खाना पसंद करते, तो ये रेसिपी है। टमाटर बहुत टेस्टी लगती है बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी है। ऐसा नहीं है कि बिना प्याज की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। आप ट्राई करिएगा तो काफ़ी अच्छी लगेगी। अब टमाटर फ्राई हो चुके हैं, हम आलू ऐड कर देंगे इसमें। फिर मैंने थोड़े थोड़े करके आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ। इस सब्ज़ी में स्वाद बहुत अच्छा आता है पिसे गरम मसाले से। और यहाँ पे नमक स्वाद अनुसार, जितना भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगाना चाहें। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, मसाले को आलू में अच्छे से मिक्स देखो। आप कलर तो अभी से अच्छा आ रहा है सब्जी का, आप भी घर में ट्राई कीजिए बिना लहसुन प्याज की सब्जी। और अब मैं इसमें बीन्स डाल दूँगी। बीन्स डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, अच्छे से मिक्स करते हैं। देखिए मैंने कितने अच्छे से मिक्स किया है आलू बीन्स को। मुझे तो सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढक दूँगी। ढकने से भाप से सब्जी अच्छी बनती है। सूखी सब्जी को भाप से ही बनाया जाता है। अब मैं देखती हूँ कैसे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है बिल्कुल। यहाँ पर सब्जी ने ऑयल भी छोड़ दिया है। जब सब्जी ऑयल छोड़ देती है तो वो काफ़ी अच्छी बनके तैयार हो जाती है। हमारे बीन्स की